Good morning to you all. The intention of today's Hukumnama is based on importance of self-discipline. Let's read it out and then let's relate it with our day-to-day life so that we can implement it today. सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। हमरी गणित न गणिया काई अपना विरत पछाण, हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग माण। साचा साहेब सद मेहरवान, बंद पाया मेरे सतगुरु पूरे होई सरब कल्याण। रहाओ विच मीन्स हे भाई परमात्मा असा जीवां दे कीते मंद कर्मां दा कोई ख्याल नहीं करदा। वो अपने मुड कदीमा मीन्स प्यार वाले सुभाव नू चेते रखदा है। वो सगो सानू गुरु नाल मिला के सानू अपना बना के साडे ते हाथ रख के सानू बकारां तो बचाउंदा है। जिस वडभागी नू गुरु मिल पैंदा है वो सदा ही आत्मक आनंद माणदा है। हे भाई सदा कायम रहन वाला मालिक प्रभु सदा दयावान रहंदा है। कुकर्मा वाल परत रहे बंदियां नू वो गुरु नाल मिलांदा है। जिस तो गुरु मिल पिया उसके विकारां दे रस्ते विच पूरे गुरु ने बंद मार दिते। इस तरह उसके अंदर सारे आत्मक आनंद पैदा हो गए। Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. कर्म क्या है? कर्म है हमारी habits, हमारी day-to-day habits, हमारे behavioral traits, जिसको हम हिंदी में हमारे संस्कार भी बोलते हैं, हमारी values. I met a guy in my workshop who was in his late 20s. उसने मुझे बताया कि उसके और उसके फादर के बीच में जनरेशन गैप बहुत है। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों लगता है कि तुम्हारा जनरेशन गैप है तुम्हारे फादर के साथ। उसने कहा बिकॉज़ मेरे फादर मुझे समझते ही नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो रात को लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं तो मैं भी जाता हूँ, तो उससे मेरे फादर मेरे से नाराज़ रहते हैं। आई सेड ओके, तो कितने बजे आते हो पार्टी से? कहते मैं तो कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी कभी तो हमारी पार्टी 2 बजे शुरू होती है। आई सेड ओके, जब वापस आते हो तो ड्रिंक भी करा होता है? ही सेड हाँ, तो कभी कभी ड्राइवर होता है मेरे साथ, और कभी अगर ड्राइवर नहीं होता तो कोई मेरा फ्रेंड जिसने कम पी होती है वो ड्राइव कर लेता है। आई सेड ओके, फिर कितने बजे सोते हो? कहते वही जब घर आता हूँ तो घर आने के आधे 1 घंटे में मैं सो जाता हूँ। आई सेड व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? He said, I get up at around sometimes 2, sometimes 3. I said, okay, what do you do in your life? He said, I help my father in his factory. हमारा बिजनेस है, he had a good business उसके फादर का। तो कह रहे मैं पापा के साथ फैक्ट्री में काम करता हूँ। मैंने कहा फिर तुम जब 2-3 बजे जगते हो तो फिर फैक्ट्री कब पहुँचते हो? कहते वही 3:30-4 बजे तक मैं फैक्ट्री पहुँच जाता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें नहीं लगता कि जब सारे लोगों का काम वाइंड अप करने का टाइम होता है, बिकॉज व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस इज़ अ पब्लिक डीलिंग, तो जब लोगों के वाइंड अप करने का टाइम होता है तब तो आप फैक्ट्री पहुंचते हो? ही सेड यस। मैंने कहा तुम्हारी वैसे हेल्थ कैसी रहती है? और तुम्हारे ही सेड हेल्थ में मुझे डिप्रेशन होता रहता है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा खाने का मन नहीं करता, एंड मेरा वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। Then I asked him कि तुम्हें नहीं लगता कि सुबह उठना तुम्हारे फादर when your father was of your age उस एज में भी ज़रूरी था और वो आज भी ज़रूरी है? He said yes। मैंने कहा तुम्हें नहीं लगता कि टाइम पे काम पे जाना वो तब भी ज़रूरी था और वो आज भी ज़रूरी है? He said yes। मैंने कहा रात को सोने का टाइम होता है, रात सोने के लिए बनी है, सो डोंट यू थिंक कि जितना तुम्हारे फादर के टाइम में ये चीज़ एप्लीकेबल थी वो आज भी उतनी ही एप्लीकेबल है? सेड यस। मैंने कहा जितनी शराब जो है वो उस टाइम हानिकारक थी वो आज भी उतनी ही हानिकारक है? ही सेड यस। आई सेड देन वेयर इज़ द जनरेशन गैप? तो जनरेशन गैप सिर्फ एक मुझे तो लगता है कि डिक्शनरी क्रिएटेड टर्म है। जनरेशन गैप को अगर हम इस तरह से देखें तो वो आता है टेक्नोलॉजी से, कि जो हमारे पेरेंट्स के टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी वो आज है, और उससे बेटर टेक्नोलॉजी हमारे बच्चे जब व्हेन दे आर इन देयर 20s, वो उस टाइम। तो मैंने कहा तुम्हारे फादर का टाइम क्या, तुम्हारे फादर का आज भी टाइम है, वो आज भी तुम्हें डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। तो आपका टाइम एज से नहीं शुरू होता, जब आप शुरू करते हो वो उसी से ही शुरू होता है। सो डोंट यू थिंक सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपको कहीं पे भी परफॉर्म करना है, कुछ अचीव करना है, इन एकेडमिक्स, इन स्पोर्ट्स, आपको बिजनेस अपना एक हायर लेवल पे लेके जाना है, आपको डिसिप्लिन तो चाहिए उसमें। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इनकल्केट डिसिप्लिन इन स्मॉलर आस्पेक्ट्स, पहले छोटे लेवल से शुरू कीजिए। अगर मान लो आप सुबह नहीं उठ पाते तो एटलीस्ट जितने बजे जगते हैं उससे 15 मिनट पहले उठिए। अगर वेट लूज़ करना है तो टारगेट फ्रॉम 1 kg। सो इनकल्केट डिसिप्लिन इन स्मॉलर एस्पेक्ट्स विच मेक इट ईजियर टू बी डिसिप्लिन इन द बिगर सीन ऑफ लाइफ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुरु हेयर, इम्पॉर्टेंस ऑफ कोच हेयर। कई बार ये होता है कि हमारे से खुद से नहीं होता, हमें हमारे खुद के बहुत सारे बैरियर्स होती है जिसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होती है। सो यू कैन सीक द सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स, यू कैन गेट अ गुड लाइफ कोच, यू कैन सीक द सपोर्ट ऑफ समवन हुम यू ट्रस्ट। तो आज हम एक असाइनमेंट करते हैं, आप अपने लाइफ के सारे एरियाज़ लिख लीजिए, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, बिजनेस और एनी अदर एरिया विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ पे है जहाँ पे आपको ज़रूरत है हैबिट को शिफ्ट करने की, और किस तरह से आप वो हैबिट को शिफ्ट करना चाहते हैं जिससे आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएं। देन सीक द सपोर्ट ऑफ ऑल दोज पीपल विच आई हैव जस्ट मेंशन्ड। सो डू दिस, लेट मी नो, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।